और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम आवास पर इगास बगवाल समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने सिलकियारा सुरंग से बचाए गए 41 श्रमिकों से उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने श्रमिकों के परिजनों को देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर दीपावली मनाने के लिए आमंत्रित किया था। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। खुशी हो रही है ये चीज देख के, यहाँ के सरकार पूरी व्यवस्था के साथ जो है कि हम लोगों का ये कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इगास बगवाल समारोह में भाग लेने वाले 41 श्रमिकों में से कुछ के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया था। बहुत अच्छा लगा, इतना मान सम्मान जो है हम लोगों को मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इगास बगवाल समारोह के दौरान सीएम धामी ने नृत्य भी किया। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों ने 17 दिन तक खौफ के साए में रहने की कहानी बयां की। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने तो बाहर निकलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, क्योंकि सुरंग में वो जिस जगह फंस गए थे वहां से बाहर निकलने के रास्ते में हजारों टन मलबा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजदूरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सबकी हालत लगातार खराब होती जा रही, खासकर हादसे के बाद के 2-3 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे थे। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। मजदूरों का दावा है कि वो लगातार एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे, जिसने उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाए रखा, क्योंकि सुरंग के अंदर उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर उन्हें बचाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे थे और उन्हें बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा। हालांकि जब तमाम कोशिशों के बाद वो सभी टनल से सुरक्षित बाहर आ गए तो उनके लिए वो पल नई जिंदगी मिलने की तरह था। सुरंग के बाहर पिछले कई दिनों से टकटकी लगाए खड़े उन मजदूरों के घर वालों ने उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन मजदूरों के मुताबिक वो सुरंग में बिताए गए 17 दिनों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल से सुरक्षित बाहर निकले सभी मजदूरों से फिर फोन पर बातचीत कर उनका हाल जाना। उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को खास तौर पर बधाई दी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत सुरंग में 17 दिन तक फंसे 41 मजदूरों की जान बच सकी। उन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उन सभी का हाल जाना। उन्होंने सबसे पहले तो सभी मजदूरों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही सुरंग में इतने दिनों तक फंसे रहने के बावजूद हिम्मत न हारने पर उनके साहस को भी सलाम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खास तौर पर गब्बर सिंह नेगी नाम के मजदूर से बात की, जिन्होंने खुद भी हौसला बनाए रखा था और दूसरे मजदूरों में भी जीने की उम्मीद जगाए रखी थी। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, और आपको लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसी तरह कई दूसरे मजदूरों का भी हाल जाना, जिसके बाद मजदूरों ने भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। इससे पहले उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई, और इसके बाद उन सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी से ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया। इस दौरान डॉक्टरों की कई टीमों ने उन सब की जांच की। इस बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनका हाल जानने के लिए एम्स पहुंच गए। उन्होंने सुरंग से निकाले गए मजदूरों से मुलाकात की, साथ ही डॉक्टरों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लगातार जो भी यहाँ पे परीक्षण उनका हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले उत्तरकाशी में सुरंग से निकाले जाने के बाद उन सभी मजदूरों को चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर उनकी जांच की। डॉक्टरों के मुताबिक 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहने की वजह से उन सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, इसीलिए एहतियातन अगले कुछ घंटों तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके।